वेलकम बैक गाइस फॉर अनदर वीडियो। मेरा नाम है शिवम और आप लोग देख रहे हैं गाइस मेरा YouTube चैनल चमकांडी गेमर। सो गाइस कैसे हो आप लोग, आए हो गाइस ठीक होगे। सो गाइस आज हम आ चुके हैं एक और चोर डुओ वर्सेस स्क्वाड गेम लेकर आप लोगों के लिए। और गाइस आज हमारे साथ है देसी चोर उर्फ हिमांशु। सो गाइस यार हिमांशु बहुत ओपी खेलता है। सो गाइस आज की वीडियो भी बहुत ओपी होने वाली है। सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और यार ये कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। सो यहाँ पे हमारी बहुत परफेक्ट सी लैंडिंग हो चुका है। सामने की ओर देखो एक जो बंदा है वो उतर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक बंदा उतर चुका है, तो यार इससे पहले हमें जाके यार गन वन लेनी पड़ेगी। सो यहाँ पे इसको गन मिल चुका है, तो चलो इसे मुक्के से हमें हराना पड़ेगा। सो यहाँ पे इसको M4A1 मिल गया है। सो लग जाए सो कटा है नॉक। सो यहाँ पे यार इसको हमने मौका ही नहीं दिया ये बंदा क्या हमें मारने का। लेकिन यार मुझे बाउंटी में से कुछ ऐसा खास तो मिला नहीं, कुछ ऐसा खास नहीं मिला। लेकिन इसके पास जो M4A1 थी वो मिल गई और दो मेडिकेट भी मिल गया। सो यहाँ पे यार हिमांशु ने मेरे को थोड़ा वेक्टर दे दिया, क्योंकि यार हमारे पास कोई शॉर्ट रेंज वाली गन नहीं थी, इसीलिए इसने मेरे को यार यहाँ पे दे दिया। सो गाइस हिमांशु भी बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है, प्रो के जैसा खेलता है। सो गाइस यार वीडियो जो है मतलब गेम प्ले हमारा बहुत ओपी होने वाला है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत मजा आएगा। और यार वीडियो को लाइक आखिरी में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक और पिलू बक्सा था, उसे भी अपन लोगों ने खोला, लेकिन उसमें से ऐसा कुछ खास नहीं निकला, ठीक है। ऐसा कुछ बढ़िया बढ़िया इसमें से नहीं लिखा है। मैं इस घर में देख लेता हूँ, इस घर में एक कटाना मिली मेरे को और कुछ खास नहीं, दो FF टोकन। और यहाँ पे कुछ भी ऐसा मुझे खास नहीं मिला गाइस, कुछ भी ऐसा खास नहीं। और यार बंदे, यार मेरे को बंदे भी नहीं मिल रहे, पता नहीं गाइस सारे के सारे बंदे आखिरकार गए तो गए, मेरे को यार एक बंदा कोई भी नहीं दिख रहा। सो यहाँ पर गाइस जो मेरे को गन चाहिए थी वुड पैकर वो मेरे को मिल चुकी है M4A1 की जगह। यार मैंने वुड पैकर जो है वो भी उठा लिया, ठीक है। सो अब मैं इस घर में देख लेता हूँ गाइस इस घर में कौन-कौन मिल गया। सो इस घर में यार मेरे को थोड़ी सी एमओ मिली है, बहुत ओपी अच्छा हो गया गाइस। मेरे को एमओ जो मिल मिल गई, सो यहाँ पे मेरे को एमओ ही मिले जा रहे हैं यार, क्या कहते हैं AR एमओ ही मेरे को मिले जा रहे हैं। यहाँ पे देखो थोड़े P90, तो यार यहाँ पे मैं वेक्टर की जगह P90 उठा लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ी सी SMG एमओ, यहाँ पे एक शॉर्ट गन और शॉर्ट गन की एमओ, ठीक है। सो यार मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि पीक पर सिर्फ एक ही बंदा उतर रहा है, ऐसा तो यार हो नहीं सकता। पीक पे और भी बंदे उतरने चाहिए, लेकिन यार एक मतलब एक ही बंदा उतरा है मेरे को जितना भी देखने में लग रहा है, क्योंकि आस पास यार एक भी बंदा नहीं है गाइस, एक भी बंदा नहीं, ठीक है। आस पास जो है वो एक भी बंदा मेरे को नहीं दिख रहा है, एक मतलब थोड़ा गोली वोली की आवाज़ आती है, ऐसा भाई मेरे को कुछ भी नहीं है। सो अभी यार बस सीधा चलते हैं यार अपने बंदे ढूंढने, ठीक है, क्योंकि हिमांशु को भी सिर्फ अभी तक एक ही बंदा मिला, उसने भी उसे ठोक दिया, ठीक है। सो मेरे हिसाब से सिर्फ दो ही लोग यहाँ पे उतरे यार, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे यार मैं सोच रहा हूँ M1A7 उठा लेता हूँ गाइस P90 की जगह। सो यार उधर थोड़ी गोलियां थी शॉर्ट गन की, तो अभी अपन लोग सीधा चलते हैं यार गोलियां लेने इस वाले घर में थी यार। उससे पहले अपन लोग इधर देख लेते हैं, इधर हो सकता है कि कोई सी क्या कहते हैं शॉर्ट गन की एमओ हो, या फिर यार मेरे को MP5 मिल जाए तो यार मैं शॉर्ट गन हटा दूंगा, ठीक है, मैं MP5 भी उठा लूंगा। सो यहाँ पे देखो मेडिकेट मिला मेरे को थोड़ा सा और थोड़े से गन्स के पार्ट। सो यहाँ पर ऊपर की साइड यार जो था गन शॉर्ट गन की एमओ थी, ये सबसे पहले मैं जा रहा हूँ यार एमओ लेने, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 14 एमओ ही है, मैंने इधर नहीं देखा था। सो गाइस इधर कुछ ऐसा खास तो नहीं, यहाँ पे M24 रहने गाइस वो तो मेरे को चाहिए नहीं, ठीक है। सो अभी चलो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ कहीं पे गाइस जो है शॉटगन की एमओ थी ये गाइस, यहाँ पे देखो 12 शॉटगन की एमओ। सो यहाँ पे अपन लोगों ने यार एमओज भी ले लिया, और वहाँ पे देखो हिमांशु ने मेरे को थोड़ी सी एमओ दे दिया, पिंग मतलब मार्क कर दिया कि एमओ कहाँ है, तो अभी वो भी अपन लोग ले लेते हैं और गाइस चलते हैं बंदे ढूंढने। तो चलो यार अभी चलते हैं अपन लोग बंदे ढूंढने। सो गाइस यार देखो मैं वापस से पीक पर ही आ चुका हूँ, लेकिन मतलब मेरे को सिर्फ थोड़े गोली वोली की आवाज़ सुनने को मिली है, इसलिए मैं वापस जो है पीक पर आ चुका हूँ देखने के लिए कि आखिरकार जो मामला है क्या मामला वैसा ही है पहले की तरह, की कोई भी बंदा नहीं है या फिर यहाँ पर कोई बंदा है, ठीक है, वही अपन लोग यहाँ पे देखने आ गए हैं। सो मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि यार यहाँ पे कोई बंदा है, मेरे को ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अच्छा गाइस बंदा है। सो यहाँ पे उस बंदे ने मेरे को यार बहुत गंदा डैमेज दिया, बहुत गंदा तो कह नहीं सकते गाइस, लगभग 50 का डैमेज उस बंदे ने मेरे को दे दिया। और गाइस देखो सामने की ओर बंदा, मैं आपको दिखा दूं कि वो देखो गाइस अभी बाहर निकला है। सो ये देखो यहीं कहीं पे है ये बंदा, तो चलो अभी थोड़ा अपन लोग जो है वो इंतजार करते हैं इस बंदे का कि कब ये आए। सो गाइस अभी अपन लोगों को सिर्फ और सिर्फ कैंपिंग करनी है, क्योंकि आई थिंक ये बंदा बहुत ज़्यादा प्रो है, ठीक है। सो अभी अपन को सिर्फ और सिर्फ कैंपिंग करनी है, थोड़े देखना है कि आखिरकार ये बंदा आएगा तो आएगा कहाँ। सो यहाँ पे देखो इस बंदा जो है कार के पास आ चुका है, तो अभी यार यहाँ पे कार के ये दूर चला जा चुका है, देखो यार वो रहा। सो अभी अपन लोगों ने यार इस पर नज़र रख रखी है, एक सेकंड के लिए भी अपन को अभी इधर से जो है इसके ऊपर से जो है वो नज़र नहीं हटानी। और यार हिमांशु भी यार मुझसे बहुत दूर है, ठीक है, रिवाइवर पॉइंट पर पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं यार आ ही जाएगा थोड़ी देर में। अभी सुनेगा कि अपन लोगों को
मार रहा है तो यार हेल्प करने आ जाएगा, ठीक है। सो आने मतलब अभी उसे उधर ही रहना जहाँ पे आया। तो यहाँ पे देखो ये बंदा, ये पता नहीं इसको लग रहा है कि सीढ़ियों पर कोई ऐसा है नहीं। और यहाँ पे यार मैंने गलती से गन चला दी, मेरे को लगा ये बंदा यहीं पे होगा। मैंने यार यहाँ पे जो है गलती से यार गन चला दी, यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी गाइस, बहुत बड़ी गलती यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यार गन चला के। ये बंदा यहाँ पे आ चुका है। सो यहाँ पे मैंने अरे यार यहाँ पे हेडशॉट देने की कोशिश, लेकिन नहीं लगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे इसने मेरे को फिर से डैमेज दिया। सबसे पहले अपन लोग जो है हेल्थ लगाते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया 54 का डैमेज। और ये देखो यार बंदा ये वापस आ चुका है। सो यहाँ पे इसको बस थोड़ा कैंपिंग में यहाँ पे 54 का डैमेज फिर से। सो यार है ग्लू वॉल। सो गाइस कितने ही ग्लू वॉल है, काश हमारे पास भी ग्लू वॉल होते तो यार हम भी बता देते ऐसे ऐसे लोगों को कि हम क्या चीज़ है। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और डैमेज दिया इसके कब वेस्ट को फोड़ा है गाइस। इसके वेस्ट को भी अपन लोगों ने थोड़ा सा डैमेज तो दिया है, ठीक है। मेरे पास रोनाल्डो है गाइस, लेकिन रोनाल्डो के लिए भी अपन को जो है वो थोड़ा पास तो जाना ही पड़ेगा कैसे भी करके। सो अपन लोग सबसे पहले जो है वो हेल्थ ले लेते हैं। और यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने आपको बोला था मेरे को थोड़ा सा डैमेज पड़ेगा, वैसे हिमांशु आ जाएगा हमारी हेल्प करने, और वैसा ही हुआ। ये बंदा आ चुका है हमारी हेल्प करने। सो यहाँ पे देखो ये रोनाल्डो और देखा गाइस, मैंने क्या कहा था बस थोड़ा सा पास आ जाना है और ये बंदा रोनाल्डो हम ऑन कर सकेंगे। सो यहाँ पे यार रोनाल्डो ऑन करने का कोई फायदा नहीं हुआ, मेरा रोनाल्डो पूरा अपग्रेडेड नहीं है इसलिए यार मेरा कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन चलो इसे हेड मारते गाइस, बस ये उठ जा यहाँ पे हेड 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 और गया। सो यहाँ पे यार बहुत अभी तरीके से 305 को अपन लोगों ने इसे हेड मारा और ये बंदा हो चुका है नॉक आउट। इसमें से हमें बहुत अच्छी सी लूट जो है वो मिल सकी। और यार इसके अलावा अब यहाँ पर पीक पर एक भी बंदा नहीं है, तो चलो यार अभी इस आखिरकार पीक से अपन लोग विदा ले ही लेते हैं। तो चलो सो गाइस यार मैच जो है वो अपने अंत तक आ चुका है, सिर्फ 9 लोग बचे हैं, सेव जोन बहुत छोटा हो चुका है। लेकिन हमें यार उस दो बंदों के अलावा एक भी बंदा नहीं मिला यार। पहला मेरा ऐसा गेम प्ले जिसमें मेरे को बंदा नहीं मिला, नहीं मेरे पार्टनर हिमांशु और फिर देसी चोर को मिला, ठीक है। एक भी बंदा गाइस, मैं कह रहा हूं एक भी बंदा है मेरे को नहीं मिला, ठीक है। पूरे मैं पूरा मैप घूम के आ गया, बीमा शक्ति से लेकर क्लॉक टावर से लेकर पोजिनो को हर एक जगह पर चला गया, लेकिन मेरे को बंदा नहीं मिला, ठीक है। सो अभी अपन लोग जो है फिर से पीक पर जा रहे गाइस, फिर से पीक पर, पीक से आए फिर से पीक पर जा रहे, ठीक है। पीक से पूरा मैप बंदा नहीं मिला, लेकिन अब फिर से जो है अपन लोग पीक पर जा रहे क्योंकि जोन जो है गाइस वो पीक का साथ दे रहा है, मतलब पीक पर ही जोन आ रहा है। तो इसलिए अपन लोग ज़िपलाइन की हेल्प से यहाँ पर क्या कहते हैं पीक पर जा रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आ चुका पीक पर। जैसे ही मैं पीक पे आया वैसे अपन को थोड़ा सा अड्डो क्या कहते हैं गोली बोलो की आवाज़ें सुनने को मिल गई। और यहाँ पे हिमांशु भी मेरे पीछे पीछे आ जा रहा है, ठीक है। सो अभी अपन को जब तक हिमांशु नहीं आता तब तक अपने को कुछ करना नहीं है यहाँ पे। लेकिन यार बंदा जो है सामने तो अपन शिकार तो छोड़ नहीं सकते, ठीक है। जैसे शेर अपना शिकार नहीं छोड़ता वैसे अपन लोग भी नहीं। सो यहाँ पे मैंने वेस्ट को थोड़ा सा डैमेज आया, इसको लग के नहीं रहा गाइस कैसे लेवल 4 का, आई थिंक लेवल 4 का मैक्स वेस्ट है। सो देखो किसी को भी नहीं लग रहा गाइस सबका। और यहाँ पे भाई मतलब 2-4 लोग हैं, सो ठीक है, 2 स्क्वाड यहाँ पे लड़ रहे हैं। मैंने बहुत गंदा डैमेज दे दिया एक बंदे को, ठीक है। लगभग 180 का डैमेज दे ही चुका हूँ मैं एक बंदे को। यहाँ पे मैंने एक बंदे को और 38 का डैमेज दिया, यहाँ पे 60 मंटर नॉक 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 वैसे गोली और ये नॉक हो जाएगा। अरे यार ग्लू वॉल से कवर कर लिया, ये ग्लू वॉल है कि क्या। यहाँ पे मैंने एक और बंदे को नॉक किया, अरे फिर लग जा अब यार ये क्या हो रहा है गाइस, कभी ग्लू वॉल ये एक बंदा नॉक 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 फिर गायब हो गया, ये क्या हो रहा है बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे हिमांशु आ गया और हिमांशु का यार वो लोग जो है वो मार रहे हैं, ठीक है। अभी अपन को सीधा रश करना पड़ेगा क्योंकि अभी यहाँ पे जो भी बंदा है वो हिमांशु के पीछे पड़ चुका है, ठीक है। एक स्क्वाड है, एक स्क्वाड को लगभग इन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है। सो मेरे हिसाब से यार 2 स्क्वाड थे लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, एक ही स्क्वाड है, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार 2 स्क्वाड है लेकिन ऐसा नहीं है। सो यहाँ पे देखो अपन लोग जो है वो थोड़ा पीछे से जा रहे हैं, हिमांशु भी वो भी रश कर रहा है। सो यहाँ पे हिमांशु ने एक बंदे को नॉक किया, एक बंदा और है यहाँ पे देखो, एक लड़की है। सो इसे खत्म करते हैं। सो अरे यार लग जा सो यहाँ पे नहीं लगा, ये बंदी भाग गई। सो चलो अभी यहाँ से इस बंदे को फोड़ते हैं, यहाँ पे वुड पैकर उठा लिया मैंने 64 का, मत नॉक नॉक कर दिया यहाँ पे नॉक। सो यहाँ पे एक बंदा नॉक हो चुका और गाइस 2 और बंदे थे, पता नहीं वो दोनों के दोनों आई थिंक यार भाग गए, ठीक है। सो वो दोनों बंदे गाइस 2 और बंदे थे, ये कुल टोटल 4 बंदे थे। और चारों में से जो है 2 तो अपन लोगों ने नॉक कर दिए, एक ने हिमांशु ने नॉक किया और एक को मैंने नॉक किया। और गाइस जो 2 लोग थे, 2 मतलब 4 में से 2 तो गए लेकिन 2 लोग जो थे वो दोनों के दोनों जो वो भाग चुके, ठीक है। जो आई थिंक वो यही कहीं होंगे क्योंकि जोन जो है वो यहीं कह रहा है। और यहाँ पे देखो वो एक जो एक बंदा मेरे को दिख चुका है, यहाँ पे देखो एक बंदा गाइस यहीं पर है, नहीं गाइस दोनों के दोनों बंदे यहीं पर है, एक बंदा तेरे को निकला। सो यहाँ पे इसको मैंने 50 का डैमेज दिया, 54 का डैमेज और बस एक और। अरे यार शिट यार ग्लू वॉल से कवर कर लेते हैं, मेरे को समझ नहीं आता इतना ग्लू वॉल से कवर क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने इतना गंदा डैमेज दिया, लगभग गाइस 200 का डैमेज पड़ ही गया था बस एक गोली। और यहाँ पे एक बंदे को बहुत डैमेज दिया और यहाँ पे रोनाल्डो ऑन। सो यहाँ पे रोनाल्डो ऑन हो चुका है, सभी के पास अब रोनाल्डो है। सो यहाँ पे इसका पार्टनर भी आ गया और ये नॉक। सो गाइस आखिरकार अपन लोगों ने एक बंदे को नॉक कर दिया और यहाँ पे नॉक नॉक नॉक। अरे यार शिट ये बंदा गाइस फिर से भाग गया। तो अभी अपन को यार सीधा रश करना पड़ेगा क्योंकि उस पहले सबसे पहले यार इस बंदे को अपन लोग जो है वो खत्म कर ही लेते हैं। सो यहाँ पे खत्म हो जाए पहले, छोड़ो यार दूसरे बंदे को अपन लोग जाते हैं ढूंढने क्योंकि यार अपन ने उसे लगभग 2-2 बार इतना गंदा डैमेज दिया लेकिन वो 2-2 बार मर गया। सो यहाँ पे यार वो जो बंदा हमसे बच गया था वो हिमांशु को थोड़ा डैमेज दे रहा है। सो हमारे पार्टनर को डैमेज दे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता गाइस। और यहाँ पे वो लड़ रहे हैं। सो अरे भूया
ओ गाइस यहाँ पे हमारा हो चुका है बुआ। मेरे को तो इस पूरे गेम प्ले में मेहनत तो करनी ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमारा बहुत अच्छी तरीके से बुआ हो चुका है। सो गाइस यार इसी के साथ हमारा एक और डुओ वर्सेस स्क्वाड गेम रहा पूरा यार। लेकिन इस वाले गेम प्ले में मेरे को बंदे मिले ही नहीं, इसे अपन लोग का किल ज्यादा नहीं हो पाया, लेकिन तब भी अपन लोगों ने 7 किल तो कर ही दिए। सो गाइस यार वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो हम मिलेंगे आपको अगली चिमकांडी में, तब तक के लिए बाय बाय।